अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज लाइव में आप लोग के लिए फिश करी की बहुत ही आसान रेसिपी, बहुत ज्यादा मजेदार बनके तैयार होती है ये, तो इसे आप लोग एक बार मेरे तरीके से जरूर ट्राई करें। उससे पहले अगर आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाए ताकि मेरी अगली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो यहाँ पे आधा किलो मैंने रोहू मछली ली है। मछली को अच्छी तरह से साफ़ किया है, साफ़ करके धो लिया था मैंने इसे अच्छी तरह से। इसके बाद चाय के चम्मच के बराबर 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालना है, आधा चम्मच नमक डालना है और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालने के बाद इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करके 10 से 15 मिनट ढक के रख देना है साइड में। तो ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई है फिश के ऊपर, मछली के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो गई है। इसे ढक के 10 से 15 मिनट रख देना है। 10 से 15 मिनट जब हो जाए, जब हमें इसे फ्राई करना हो तो ढक्कन को हटाना है, फिर से इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसे ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना है। अगर आप ज़्यादा देर के लिए इसे रखना चाहते हैं तो फ्रिज में रखें, 10 से 15 मिनट के लिए सिर्फ रखना चाहते हैं तो आप इसे किचन में भी रख सकते हैं। फिर से इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे फ्राई कर लेना है। तो फ्राई पैन में मैंने तेल पहले ही रख दिया था गर्म होने के लिए। एक एक करके फिश डालना है और इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो सारी फिश को अच्छे से मैंने इस पे सेट कर दिया है फ्राई पैन में। जब नीचे का हिस्सा इसका पक जाए, यानी मछली जब नीचे से पक जाए तभी इसे पलटना है, नहीं तो मछली टूट सकती है। तो देखिए नीचे का हिस्सा इसका हल्का सा ब्राउन हो गया है तभी मैंने इसे पलटा है, नहीं तो अगर आप बीच में इसे जल्दबाजी में पलटेंगे तो फिर ये मछली टूट सकती है। तो सारी फिश पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। तो दोनों तरफ से ये अच्छी तरह से पक गई है, इसे निकाल लेना है एक प्लेट में। अब मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 मीडियम साइज़ का टमाटर है जिसे मैंने रफली कट कर लिया है, 1 मीडियम साइज़ की प्याज है इसे भी मैंने रफली कट कर लिया है, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ हैं, 2 इंच अदरक का टुकड़ा है। यहाँ पर मैंने आधा किलो मछली ली है, उसी हिसाब से मैं आपको मसाले बता रही हूँ। अब इन सारी चीज़ों को मिक्सर के जार में डाल के पीस लेना है। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि टमाटर में से और प्याज में से पानी निकलता है। इसके बाद इसे कटोरी में निकाल लेना है। अब जो मिक्सर की जार में थोड़ा सा मसाला लगा है, पानी डाल के खंगाल के इसे भी कटोरी में डालना है। आधा चम्मच यहाँ पे हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 से 3 चुटकी के बराबर काली मिर्च का पाउडर लिया है मैंने 2 चम्मच भर के, धनिया पाउडर लेना है, 1.5 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर यानी तीखी वाली लाल मिर्ची पाउडर लेना है। तीखा कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके रख देना है फूलने के लिए। तो मसालों को मिक्स करने के बाद इसे मैंने साइड में रख दिया है। अब एक कढ़ाई ले लेना है, कढ़ाई में 2.5 चम्मच के करीब तेल डालना है। ये वही तेल है जिसमें हमने मछली को फ्राई किया था। तो 2.5 चम्मच के करीब मैंने तेल ले लिया है। इसमें 10 से 12 मेथी के दाने डाल देना है। इसके बाद जो मसाला हमने पीस के रखा था इसे डालना है। अब कटोरी में जो मसाला लगा हुआ है थोड़ा सा पानी डाल के खंगाल के इसे भी कढ़ाई में डाल देना है। नमक डाल देना है अपने टेस्ट के हिसाब से। गैस का फ्लेम स्लो ही रखना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ढक के इसे 10 मिनट स्लो फ्लेम पे पकाना है क्योंकि हमने प्याज कच्ची डाली है तो प्याज को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसके लिए 10 मिनट इसे पकाना है। बीच बीच में आप इस मसाले को चला सकते हैं। तो 10 मिनट यहाँ पे हो गया था, ढक्कन को मैंने हटा लिया है। अब गैस का फ्लेम फास्ट करना है और मसालों को अच्छी तरह से भून लेना है। मसालों को तब तक भूनना है जब तक मसालों का कलर चेंज नहीं हो जाता और मसालों में से तेल अलग नहीं हो जाता, क्योंकि यहाँ पे मसालों का भुनना बहुत ज़रूरी है। अगर मसाले अच्छी तरह से नहीं भुनेंगे तो मछली का सालन अच्छा बनके तैयार नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे तेल अलग होना शुरू हो गया है और मसालों का कलर भी चेंज हो गया है।
बस अब इसमें डाल देना है पानी। तो 1 से 1.5 गिलास के करीब में पानी डाल देना है। मिक्स करना है इसे अच्छी तरह से। इसके बाद जो मछली को हमने फ्राई करके रखा था इसे डाल देना है एक एक करके। अब गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखना है, ढक के इसे 8 से 10 मिनट स्लो फ्लेम पे पका लेना है। 8 से 10 मिनट जब हो जाए ढक्कन को हटाना है। 2 से 3 साबुत हरी मिर्च डाल देना है और बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल देना है। हरी धनिया डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करना है। तो बनके तैयार है बहुत ही मज़ेदार फिश करी की रेसिपी, ज़रूर ट्राई करें। मैं अपने घर में इसी तरह से बिल्कुल बनाती हूँ, आप लोग भी इसे मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो रखिएगा अपना खूब सारा ख्याल, मिलते हैं फिर से किसी अगली मज़ेदार चटपटी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।